सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड वेलकम इवनिंग। टू ब्राइट वे लाइव स्पोकन इंग्लिश क्लास। तो थैंक यू शैल सर। स्टार्ट। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यस यू आर श्योर। कंपनी का कुछ इवेंट वगैरह रखना होता है, तो हम लोग को होटल में जाके बुकिंग वगैरह जब करते हैं, तो पहले जब मैं जाता था तो हिंदी में बात करता था, लेकिन आज जब मैं गया और जो रिसेप्शनिस्ट ने एक को भेजा ना, सेल्स पर्सन जो रहता है होटल का, तो वो आया ना, तो मैंने इंग्लिश में पूरी बात की उससे। मतलब थोड़ा रुक रुक के की, बट मैंने पूरी इंग्लिश में बात की। फैंटास्टिक तो फैंटास्टिक, मुझे आज का मोर दिन पावर मतलब टू बहुत तेरा रिमार्केबल है। यू। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और एक खुशी की बात है कि मेरे मेरा जो छोटा बेटा है, मिस्टर अर्नो, मास्टर अर्नो, 5th स्टैंडर्ड में, तो उसने 26 जनवरी को एक स्पीच दिया था इंग्लिश में, तो उसका फर्स्ट नंबर आया और उसको सर्टिफिकेट मिलने वाला। फैंटास्टिक, तो चलो वो बोलते हैं, पापा सो आप मेरा शेयर करो ना प्लीज, आपके क्लास में बगल में बैठा है वो, मेरे को बताते रहता है। थैंक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलिए तो यू। आएंगे, पहले हम लोग हमारे मास्टर सुभाष सर की जो है उनसे बात करेंगे। ठीक है, फैंटास्टिक। चलिए बुला रहे हैं उसको अन्ना। यस यस बिल्कुल। अरे इम्तियाज सर बुला रहे हैं, आ जाओ। वो थोड़ा शाही है, नहीं आ रहा है। आ आ जाओ, जाओ देखो प्रिंस भी है, बोला यहाँ पर प्रिंस भी है। ठीक कम। अरे अभी वो ऐप है, बनाने वाले नया नया, फिर तुमको वादा हो जाएगा। पहले सुनो उनको, आ जाओ। ये है वो, कैसे फैंटास्टिक। मिला वो, क्या स्पीच दिया था आपने, ओके बताओ। श्रवण चलिए, बोलिए, शर्माइए मत। वो देखो तुम्हारे साथ में वहां पर हमारा ये भी है, प्रिंस भी है भी है, हमारा, वो श्रवण भी है श्रावण। वहां पे। स्पीच दिया था आपने, बोलो, बोल सकते हो। टीचर्स डे के दिन भूल गया। हाँ टीचर्स डे का बोल दो। भूल गए हाँ अच्छा। मतलब उसने तैयारी की थी, अच्छा स्पीच दिया, उसको सर्टिफिकेट मिला, नंबर 1 आया उसको। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बढ़िया है। तो पापा के साथ में अभी आप इंग्लिश भी सीखिए ना। देखो श्रावण, देखो पापा के साथ में सीखते हैं इंग्लिश। हाँ वो बगल में बैठता है, हाँ मतलब हाँ कैमरे पे नहीं आता, अच्छा। तो मुझे बहुत सारा हेल्प करता है प्रोनाउंसिएशन में, और मतलब कोई वर्ड कैसा बोलना है तो उसका जो वोकैबुलरी है वो बराबर करके देता अच्छा, फैंटास्टिक है। जैसे मैं पहले फैंटास्टिक। ड्राइवन बोलता था, ड्राइवन, तो उसने बोला ड्राइवन नहीं, ड्रीवेन, ड्रीवेन, तो ऐसा बहुत सारा हेल्प करता है। चलिए अच्छा, थैंक यू। ओके फैंटास्टिक। चलिए, मोर पावर टू यू। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशंस विद आवर सीनियर सिटीजन मिस्टर भीमेंद्र ठेंगे। तो आपके साथ में प्रेजेंट करेंगे हमारे भीमेंद्र ठेंगे साहब। स्टार्ट। मैं काम पर जाता हूँ। आई गो टू वर्क, आई डू नॉट गो टू वर्क। डू आई गो टू वर्क? वाई डू आई गो टू वर्क? ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इज ही गोइंग टू स्कूल? वाई इज गोइंग टू स्कूल? सी इज गॉन टू स्कूल, सी इज नॉट गॉन टू स्कूल। Is she gone to school? When is she gone to school? उसने मुझे एक पत्र भेजा। लास्ट के तुमने सेंटेंस चार जो है वहां पर इज यूज किया। लास्ट के गोइंग का, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, व्हाई इज ही गोइंग टू स्कूल? ओके बराबर। सी इज गॉन टू स्कूल, शी सी इज नॉट, हैज सी हैज गोइंग टू स्कूल, गॉन सी हैज, हाँ सी हैज नॉट गोइंग गॉन टू स्कूल, इज सी गॉन टू स्कूल हैज सी वे, हाँ हैज वेन वेन नहीं, सी इज She has gone to school. When has is she gone to school?
ओके घर में उनको बोलो जरा थोड़ा थोड़ा होगा, बच्चे लोग आए हैं, उसने मुझे एक पत्र भेजा है। इसने मुझे एक पत्र, आप बाद में बोलिए ठीक है, थोड़ा सा उन लोग को मस्ती करने दो बच्चों को, फिर बाद में आ सकते ठीक है। चलिए सुभाष सर बोलिए। आज मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूँ, मैंने जैसे लिखा है ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, बट आप देख सकते हो ये पहले मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो वर्ड है वो लेकर आज बिना देखे बोलूँ। ओके तो मैंने पहला लिया है ड्राइव, ड्रिवेन, ड्राइव। तो ही ड्राइव्स कार, ही डज नॉट ड्राइव कार, डज ही ड्राइव कार, Why does he, where does he drive car? ठीक है, फिर आ गया he is driving car, he is not driving car, is he driving car, where is he driving car? फिर थर्ड वाला मेरा आ गया he has driven car, he has not driven car, has he driven car, where has he driven car? ये मेरा ड्राइव वाला हो गया। फिर मैंने लिखा है राइट पे, तो राइट में मैंने शी का यूज किया है, शी राइट्स लेटर, शी डज नॉट राइट लेटर, डज शी राइट लेटर, हाउ व्हाई डज शी राइट लेटर, फिर शी इज राइटिंग लेटर, शी इज नॉट राइटिंग लेटर, इज शी राइटिंग लेटर, व्हाई इज शी राइटिंग लेटर, फिर थर्ड वाला शी हैज रिटन लेटर, शी हैज नॉट रिटन लेटर, हैज शी रिटन लेटर, व्हाई हैज शी रिटन लेटर। तो ये रिटन का हो गया। फिर मैंने लिया है रीड का, तो अब मैंने यहाँ पे दे का यूज किया है, दे रीड बुक, दे डू नॉट रीड बुक, डू दे रीड बुक। फिर मैंने यहाँ पे विच का यूज किया, बट विच का यूज करने से मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, तो आप देखिए करेक्ट है कि नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा विच बुक्स डू, विच बुक डू दे रीड, बराबर है, विच बुक दे डू दे रीड, बराबर। हाँ, अगर मैं ऐसा लिखता कि विच डू दे रीड बुक, तो वो थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा था, तो मैंने ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया। नहीं बराबर है, उस वक्त ऑब्जेक्ट पड़ा है ना। थैंक यू। They are reading book, they are not reading book, are they reading book, which book are they reading? Which book are they reading? Okay. ठीक है, फिर they have read, read बोलते हैं, read है, but read ही बोलते हैं, so they have read book, they have not read book, have they read book, which book have they read? तो ये बिना देखे मैंने बोला। तीसरा, अभी चौथा है मेरा टॉक पे, तो टॉक पे मैंने यहाँ पे वी का यूज किया है, वी टॉक इंग्लिश, वी डू नॉट टॉक इंग्लिश, डू वी टॉक इंग्लिश, व्हाई डू वी टॉक इंग्लिश, तो वी आर टॉकिंग इंग्लिश, वी आर नॉट टॉकिंग इंग्लिश, आर वी टॉकिंग इंग्लिश, आर वी टॉकिंग इंग्लिश, व्हाई आर वी टॉकिंग इंग्लिश, ठीक है, टॉकिंग का हो गया पूरा, टॉकिंग का हो गया, रीड का हो गया, चार, मतलब चार मैंने लिखे हैं और लेट हो गया, तो एक एक वर्ब का बाकी है, तो आप कोई भी एक वर्ब दो मैं बनाता हूँ। चलिए वर्ब दीजिए। हेलो, हाँ सुभाष सर को वर्ब दीजिए, एक कोई भी क्रिया दीजिए। Made. Made. Make. She makes cake. She does not make. Make. Make बोले? हाँ. Made और second form आ गया ना? अच्छा, sorry sorry. Make first form है ना? Yes. Make. She makes cake. She does not make
सी डज नॉट मेक केक और डज सी मेक केक, व्हाई डज सी मेक केक, सी इज मेकिंग केक, सी इज नॉट मेकिंग केक, इज सी मेकिंग केक, व्हाई इज शी मेकिंग केक, तो शी हैज मेड केक, सी हैज नॉट मेड केक, नॉट मेड केक, हैज शी मेड केक, व्हाई हैज शी मेड केक. Fantastic. More power to you. Fantastic. That's amazing. बारह पंचे साठ सर, साठ वर्ड, साठ शब्द बेसिकली, साठ शब्द. यस, तो बारह पंचे साठ मतलब अभी साठ सेंटेंसेस आपने बोले सर, वो भी बिना देखे, और एक वर्ड मैंने सिंग लिया था, बट मैं चाह रहा था कि कोई मुझे दे ताकि मेरा वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि दिया हुआ वर्ड मैं बना सकूं. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, मोर पावर टू, दैट्स द स्पिरिट, यही तो स्पिरिट होना चाहिए. और ये सारा क्रेडिट आपका है सर, सच बता रहा हूँ. ये हम लोग 40 साल तरसे है इसके लिए. मतलब कोई भी गेट का जो बड़ा दरवाजा होता था कंपनी का, जब जब हम पढ़ाई करके हम लोग बाहर निकले और जब इंटरव्यू देने जाना पड़ता था, तो पहले हम ये देखते थे कि ये कांच का दरवाजा है, इसी शोरूम में, तो हम उसमें जाते नहीं थे क्योंकि वहां पे साला इंग्लिश ही लगने वाला है. तो हम ऐसी कंपनी चूज करते थे जहां पे छोटे मोटे चीजें हैं, सारे लोग नॉर्मल लोग हैं, तो अब उसको चूज करते थे कि इधर जाते हैं. तो ये बहुत बड़ा हेड्स ऑफ है, आपने अगर ये सिस्टम नहीं बनाई होती तो आई थिंक हम लोग का हाल सही नहीं होता. थैंक यू. ये सब ऊपर वाले की कृपा है, ये मेरी कुछ नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, ये सब जो भी देन है वो ऊपर वाले की है. वो लेकिन सब माध्यम तो हो ना सर, आप माध्यम तो बनाया है मुझे. यस यस, तो कुछ तो क्रेडिट बन. यस यस यस, चलिए, फैंटास्टिक फैंटास्टिक. नाउ हाँ, हमारे प्रिंस से मैं बात करेंगे. यस सर. यस, आर यू हैप्पी? Yes. Yes. Then start now. I eat food. I does not eat food. Does I eat food? Why does I eat food? Wait. Wait. रुकिए रुकिए रुकिए. आपने subject क्या use किया? I. तो आई के साथ में क्या लगेगा? डू लगेगा कि डज लगेगा? डू, सॉरी सर. चलिए करेक्ट करो उसको, पहला डज को हटा के डू कर दीजिए पहले उसको. चलिए, आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड, Why am I eating food? Correct. I have eating food. Eaten food. I have. I have it, guys. I have not eaten food. Have I eaten food? Why have I eaten food? Fantastic. बढ़िया सर. मैं ड्राइवर, ही ड्राइव कार, ही डज नॉट ड्राइव कार, डज ही ड्राइव कार, व्हाई डज ही ड्राइव कार, ही इज ड्राइविंग कार, ही इज नॉट ड्राइविंग कार, इज ही ड्राइविंग कार, व्हाई इज ही ड्राइविंग कार, ही हैज ड्राइविंग कार, ड्रिवन कार, He has not driven car. Has he driven car? Which car? Which has car he driven? Which car has which he car? driven? Yes. Yes. I send gift to him. I do not send gift to him. Do I send gift to him? When do I send gift to him?
I am sending gift to him. I am not sending gift to him. Am I sending gift to him? Why am I sending gift to him? I send gift to him. I have. I have sent gift to him. I have not sent gift to him. Have I sent gift to him? Sent gift to him? When have I sent gift to him? चलो फैंटास्टिक. अभी हम लोग एक ट्राई करते हैं. वेट 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 वेट, नोटबुक बंद कर लीजिए. ठीक है, अभी हम लोग बगैर देखे प्रैक्टिस करने वाले. ठीक है, चलो प्ले पे बोलिए. प्ले. I play cricket. I do not play cricket. Do I play cricket? Why do I play cricket? I do. No. I playing cricket. I playing cricket. I am. I do not playing cricket. I am playing cricket. I am playing cricket. I am not playing cricket. Why am I playing cricket? Why am I playing cricket? Fantastic. I have played cricket. I have not played cricket. Have I played cricket? Why have I played cricket? Fantastic. More power to you. क्या बात है, क्या बात है. श्रावण तुमको कैसा फील हो रहा है, कैसा वाटते तुला? मजे आता है मजे. अब 12 दिवस मध्य तुमने एवढा इंग्लिश कवर केलं छान. ठीक सर वो 11 बजे तक जागते है तो कुछ तो बनता है ना. यस यस यस, शेड्यूल बहुत बिजी रहता है. यस गुड गुड. तो श्रावण तुला कसा फील वाटते, तर तुला दिन बघून तू 12 सेंटेन्सेस बोलत एका क्रिया मध्ये, कसा तुला वाटतं? ते न बघून इंग्लिश शिकतोय तर चांगलं वाटतं. छान, कॉन्फिडेंस कसा वाटते एकदम. श्रावणचे पप्पा काय बोलणार, जरा 2 मिनिटं बोला सर्वांचे पप्पा. त्याला त्याच्या शाळेमध्ये पण थोडीशी हेल्प होत असेल, कारण जो इंग्लिश मीडियम चा स्टुडंट असल्यामुळे त्याला आणखी इझी पडत असेल समजणं, आणखी इझी. म्हणजे आता तुमचा मुलगा तुमच्या समोर बोलत आहे, तुम्हाला कसा फील वाटतो? वेल फंटास्टिक. शेड्यूल पण खूप बिझी असतं ना त्याचं. शेड्यूल सकाळी 6:30 ला तो स्कूलला निघतो, 12:30 ला घरी येतो, परत 2 ला परत तो जातो क्लासला, परत 6 वाजता येतो घरी क्लासवरून. म्हणजे 2 क्लास असतात त्याचे, एक त्याचा तो स्कॉलरशिप आणि एक स्कूलचा क्लास असतो. आणि त्याच्यानंतर तो 8:00 ला 6 ला परत जातो, तो 6:30 ला परत जातो, तो 8:30 ला परत येतो. 8:30 ला येऊन आंघोळ वगैरे करून कराटेवरून आल्यावरती आंघोळ वगैरे करून 1.5 तासात जेवून वगैरे परत क्लासला बसतो. छान छान, मोर पावर मोर पावर. गुड श्रावण. श्रावण काय ठरवलं, काय क्या तुम सोचे, क्या बनने के चाहत है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा ड्रीम हम बनाएंगे. मैकेनिकल इंजीनियर, फैंटास्टिक, दैट्स गुड. चलिए हम लोग सबका ड्रीम भी बनाएंगे, हम लोग वो भी हम लोग आप लोगों को ड्रीम ट्रेनिंग देंगे कि ड्रीम कैसा बनाने का है और गोल कैसा सेट करने का है. बहुत सारी चीज हम लोग सीखने वाले हैं. ठीक है, सारे लोग उसके अंदर लोग सीखेंगे. सब लोग तालियां बजाएंगे हमारे श्रावण के लिए. थैंक यू सर. फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट. चलिए नेक्स्ट हमारे प्रेजेंट यहाँ पर पहले कौन आया था. हाँ प्रतिभा जी, कम ऑन. Let's start. Hello. Hello. Yes, yes, yes. बोलिए. सर एक्चुअली मेरा 3-4 ही वर्ब हुआ है, मैं जस्ट अभी 10 मिनट पहले बनाने को ली हूँ. कोई बात नहीं था. अभी हम लाइव लेंगे. आपने जो लिखे हैं, कोई बात नहीं, आपने लिखे हैं वो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने लिखे होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है और कोई शक भी नहीं है.
आप लोग डेडिकेशन के साथ में कर रहे हो और मुझे भी पूरा उम्मीद है, मुझे भी पूरी गारंटी है कि आप बगैर देखे अभी 12 सेंटेंस बोलने वाले हैं। आज हमारी क्लास के अंदर ऐसा हुआ कि 1.5-2 महीना होने आए और जैसा मैं लाइव बताता हूँ ना 40 सेंटेंस का स्पीड में, तो कुछ बच्चे लोग ना डर रहे थे, बोले कि सर नहीं हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि मुझे गारंटी है मैंने जो अंदर डाला हूं वो तुझे पक्का आएगा बोलने के लिए। नोटबुक बंद कर और 40 सेंटेंस स्टार्ट कर। और यकीन मानिए उसने नोटबुक बंद किया, वो पहले नहीं बोला था कि मैं नहीं बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, नहीं 40 सेंटेंस आज बोला हमारी कंप्लीट हुए, आज ही और अभी ही तुझे बोलना है, बाकी के सब लोग ने बोल चुके थे। तो उसको बोला तू खाली मुझे देखते रहे बस, तो ऑटोमेटिक चार्जिंग अंदर बोलना शुरू कर। अमेजिंग, वो लड़के ने 40 सेंटेंस बोल ही दिया परफेक्टली। तो होता है क्या, क्योंकि मुझे गारंटी है ना कि मैं जो दे रहा हूं, मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूं, जो मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं, उस आइडिया को पक्का आपके दिमाग में रख रहे हो आप, और आप आकर बोलेंगे बोलेंगे 100% दैट, मुझे पूरा गारंटी आपके ऊपर। तो अभी देखते हैं प्रतिभा को हम लोग एक क्रिया पद दे देंगे, और प्रतिभा ने तो अभी कम से कम मेरे से 12 चौक तो 40 सेंटेंस बनो लेना है इतनी, मतलब देख के उसने बनाई हुई है, अब बगैर देख के वो बोलेंगे हमारे साथ। सो आर यू रेडी प्रतिभा? यस। चलो तो प्रतिभा को हम लोग कुछ पकाने के लिए बोलते हैं, ठीक है, कुक के ऊपर बोलेंगे प्रतिभा। कुक आई एक मिनट ना सर। वैसे तुम सबसे अच्छी चीज क्या बनाती हो? आई कुक सैंडविच, सैंडविच सबसे अच्छा बनाता। हां चला मैं बोला बहुत अच्छे होती। आई कुक सैंडविच, आई डू नॉट कुक सैंडविच, डू आई कुक सैंडविच, व्हाई डू आई कुक सैंडविच, ओके सेकंड कंटीन्यूअस, आई एम कुकिंग सैंडविच, आई एम नॉट कुकिंग सैंडविच, सर अगर गलत रहेगा तो बोला, am I cooking sandwich, when am I, okay, when am I, and last one is perfect, and perfect is, okay, I have cooked sandwich, I have not cooked sandwich, ईडी है ना लास्ट, बराबर है ना सर? बराबर है, बराबर है, चलो। Have I cooked sandwich, and last one is why have I cooked sandwich? Fantastic, बनाया ना आपने बगैर yes. या श्योर सर, बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मैंने श्रावण को देख के ऑलमोस्ट ट्राई किया। यस यस फैंटास्टिक फैंटास्टिक। क्या होता है मालूम है, कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर होता है लेकिन कोई दिखाने वाला नहीं रहता है। टैलेंट तो हर इंसान के अंदर है लेकिन उसको दिखाने वाला कोई नहीं रहता है। कि तू कर तो कुछ हो सकता था लेकिन तूने अपने आप को लिमिट करके रखा। लिमिटेशंस को हम लोग यहाँ पर ब्राइट वे पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर के अंदर सारी हर एक के लिमिटेशंस को निकालने वाले हैं, पूरे देश के लिए हम लोग काम करने वाले हैं वो, तो आप लोगों का साथ चाहिए हमें। फैंटास्टिक, मोर पावर टू यू। बाकी का आपने तो 40 सेंटेंस लिखे ही हो। यस, एक बना रही होगी लास्ट वन। अच्छा चलिए फैंटास्टिक। अभी हमारे पालो सर से हम बात करेंगे। एक्चुअली सर वेरी गुड इवनिंग सर। बोलो या सर, एक्चुअली सर मेरे को मतलब पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं इंग्लिश में बात करती हूँ पहले से, बट एक्चुअली मुझे जो एक हेजिटेशन रहता है अंदर बोलने के लिए, डर रहता है, वो नहीं था, तो अभी मतलब वो मोर देन बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस हो रहा है मेरे से। गुड गुड, दैट्स गुड। कैसा फील कर रहे हो ये 10-15 दिन में? अच्छा, एकदम अच्छा लग रहा है। मतलब एक्चुअली मैं तो
ऐसे बोलने को जाऊँ ना, जस्ट प्राउड ऑफ टू सुभाष सर एंड पालव सर, बिकॉज वो इतना वर्क करने के बाद में बोलते रहे कि एज रहता है, उनको देख के भी एक ऐसा लगता है कि इतना टाइम नहीं निकाल के भी वो लोग ये कर रहे, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। दैट्स अ ग्रेट थिंग कि वो अपना इतना बिजी शेड्यूल रखने के बावजूद वो रेगुलरली आ रहे हैं और उसके अंदर आप लोग भी आ रहे हैं। दैट्स आपकी डेडिकेशन जो है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, सिर्फ इसके लिए नहीं, नई चीज सीखने के लिए, अभी भी नई चीज सीखने के लिए। स्कूल कॉलेज की सीख तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन आउट ऑफ स्कूल आफ्टर कॉलेज और जो जॉब के अंदर हम लोग आगे और किस तरह से बढ़ सकते हैं, तो नई नई चीज सीखने के लिए ना हमेशा डेडिकेशन रहना चाहिए। ठीक है, फंटास्टिक, मोर पावर टू थैंक यू सर। यू। चलिए पालो सर। सर मैंने बनाया हूँ, वो बोलो या आप क्रिया देंगे वो मैं बोलू? बनाए तो है सबने, अभी हम अब क्रिया हाँ, आपको तो नहीं वो करनी ज्यादा है है। ना, वो साठ है, वो बोलते बोलते और टाइम जाएगा, तो चलो बोलना तो बोलू अश्विनी, मैं। अश्विनी देंगे आपको क्रिया, अश्विनी जी आपको क्रिया देंगे। हेलो सर, ऐड वाली आवाज बंद कर। अश्विनी आप बालो सर को क्रिया दीजिए, एक वर्ब दीजिए। रीच रीच, रीड रीड रीच रीच रीड रीड ना पढ़ना, पहुंचने, पहुंचना पहुंचना, नहीं रीच पहुंचना, रीच रीच। हाँ रीच जुड़े, ओके, रीच पहुंच, जी रीच 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 जुड़े, ओके। आई आई रीच मुंबई, आई आई डू नॉट रीच मुंबई, डू आई रीच मुंबई, व्हाई डू आई रीच मुंबई, चार हो गया। अभी ही जेमआर में जाऊंगा तो रीचिंग होगा। आई एम रीचिंग रीचिंग मुंबई। सर बराबर है, ING लगाया, आई एम रीचिंग इन मुंबई। रीचिंग ING तो लगाना ही पड़ेगा ना सर EGMR में। हाँ लगा दिया यस आपने। हाँ आया, हाँ आया, आई एम रीचिंग इन मुंबई। आई एम नॉट, आई एम नॉट रीचिंग इन मुंबई। एम आई रीचिंग मुंबई, Why am I reaching Mumbai? अभी तो I have reached Mumbai. ED करेक्ट, ना, reached, आई हैव रीच्ड इन ED, मुंबई। हाँ। I have reached Mumbai. I have not reached Mumbai. Have I reached Mumbai? Why has reached Mumbai? नहीं रुको रुको रुको, मैं करेक्ट करता हूँ। Why have I reached Mumbai? ये चार यस हो गया, हो गए 12 हो गया ना सर। बारह, उसके यस आगे के भी यस चार बोलो, वो भी पार्ट है फंटास्टिक फंटास्टिक, सिंस क्या मॉर्निंग। बात है क्या बात है क्या बात है, ये मतलब बात थोड़ा सा क्या पालो होता है, सर। थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा वो बोलने के टाइम डर सा लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, उसकी वजह से थोड़ा है, स्पीड में थोड़ा कमी है, ऐसा है। आएगी आएगी स्पीड आएगी, अभी गाड़ी सेकंड गियर पे आई है, अब थर्ड भी गिरेगा, फोर्थ भी गिरेगा, और टॉप गियर भी गिरेगा, और फिर लास्ट में हम लोग स्पेशल गियर डालेंगे, गियर नंबर 5। कैसा फील हो रहा है अरे आपको वो पालो उतना सर? उल्टा भी प्रैक्टिस किया, मतलब वो सीधा जाता हो तो याद आता है ना, डू डज इज एम आर, ये आता है ना, हैज लास्ट है। मैं हैज से भी शुरुआत करता हूँ, उल्टा भी जाता हूँ, मतलब वो कहीं बीच में भी कहीं गफलत ना हो जाए, क्या कभी कभी बात ऐसे भी क्या बात, प्रैक्टिस करता हूँ, चलिए ना तो रनिंग पालो में याद सर, रखते हैं ना हम लोग। पालो सर आपको कैसा फील हो रहा है, ये 15 दिन के सेशंस के अंदर आपने काफी कवर कर लिया है। मेन तो सर वही मैं बताऊं कि जैसे सुभाष सर जी बोले वैसे, कि काफी सालों से हमारी इच्छा थी कि इंग्लिश मतलब स्पीकिंग करना जरूरी, इंग्लिश टॉक करना जरूरी है, सब सामने वाले बोलते तो हम उनका मुंह ताकते रहते थे, हमें समझता इंग्लिश पर बोल नहीं पाते थे। क्यों नहीं बोल पाते थे? क्योंकि ये क्रियापद कहाँ कौन सा लगाना है हमें पता नहीं था। अभी ये हमें मसाला पता चल गया है, बिरयानी में क्या डालना है, हाँ मुझे चिकन बिरयानी में क्या डालना है, वेज बिरयानी में क्या डालना है, पनीर बिरयानी कैसी बनानी है, अभी रेसिपी पता चल गई है, तो अभी वो आसान हो जाता है। थोड़ा सा स्पीड कम है, ढूंढना पड़ता है, वो चाइनीज वाले के जैसे नहीं, वो बिना देखे भी ऐसे डालते रहते ना,
वो स्पीड थोड़ा सा कम है, कुछ दिन बाद वो भी स्पीड आ जाएगा ऐसा। मतलब कॉन्फिडेंस तुम्हारा अभी कितने डिग्री पर आ रहा है? नहीं अभी कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है, 70 डिग्री, 70-70% तो है। ऑफिस में भी थोड़ा थोड़ा फाड़ना चालू कर दिया। मैं सोचता हूँ जाने तो सामने वाले क्या बोलेंगे, हंसेंगे और क्या करेंगे। हाँ थोड़ा थोड़ा अपने लोगों में बोलता हूँ, मतलब प्रैक्टिस करता हूँ। अभी तक मीटिंग में वो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, क्यों क्या है वो थोड़े ज्यादा लोग रहते हैं, अपने जो लोग रहते हैं ना, लीडर्स लोग है, अपने लोग है, वो क्या टेंशन नहीं, हंसेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं, तो उसमें चलता फैंटास्टिक। बोलता हूँ मैं, मतलब वो सीख गया। मतलब ये हमने जो सेशन स्टार्ट किए 15 दिन पूरे हुए कि नहीं? उसको हुए 15 दिन ना? हाँ हो गया ना सर, हो गया। और ये जूम अच्छा के वजह से फायदा हुआ, वही अगर ऑफलाइन में होता तो आप समय देखे ना, समय का बोलते ना एडजस्ट नहीं होता है, पर ये जूम के वजह से अच्छा होता है कि कहीं पे भी रहो तो आपको सुनने को मिलता है जी, कि। फैंटास्टिक। और आप और ये दो जन का मतलब पूरा क्रेडिट जो आप दोनों को जाता है, एक आपको दूसरा जूम जिसने बनाया उसको। हाँ फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के। आप बगैर देखिए अभी 12 सेंटेंसेस बनाया सुन रहे हो, अभी तो बहुत ही और इजी हो जाएगा, क्योंकि पहला जो सीढ़ी रहता है वो थोड़ा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन उसी को समझ समझ के लेकर एक मेंटर अगर आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यस आप कर सकते हो, 100% आप जीतेंगे, जीत आपकी पक्की होगी, सिर्फ टिके रहना है, टिके रहना है, टिके रहना है और लगे रहे, तो 100% आप लोग तो इंग्लिश बोलेंगे ही, ये दावा है। चलिए, फंटास्टिक, वेरी गुड। सर, तो मगर एक बात करनी है, अच्छा श्रवण इतने बिजी हम लोग नहीं आए, श्रवण का तो भी पूरा शेड्यूल मैंने सुना, तो वो तो हमसे ज्यादा बिजी है, तो प्रतिभा जी को बोलना चाहिए वो श्रवण को देख के मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि उसका ज्यादा शेड्यूल बिजी है सर, सुबह से लेकर शाम तक, हम लोग का तो एक्चुअली बीच में रहता है, सुबह तो हम खाली रहते हैं। एक्चुअली पालो सर, कैसे स्टूडेंट लोग अभी मतलब इंग्लिश स्कूल में ही जाते हैं पहले से। जैसे मैं खुद मराठी स्कूल से हूँ, बट अभी के जो भी स्टूडेंट देखेंगे ना, जूनियर सीनियर के जी से, तो उनको थोड़ा बहुत तो पावर गेन रहता है, कि नॉलेज रहता है क्या कर बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या यूज करना है। अभी आपको देखेंगे या ऐसे पहले मतलब ओल्ड वाले लोग को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ बाबा ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों पीछे रहेंगे, उसके अरे वजह से ये मैंने तो बात बोला। है, मगर समय समय का मैं बताया कि उसका जो सुबह से लेकर शाम तक जो उसका टाइम शेड्यूल बहुत बिजी है, हाँ उस उतना वो तो बिजी हम है। लोग नहीं है, उसके यस उसके कंपैरिजन में हम लोग इतने बिजी नहीं है यस, ऐसा। इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। अगर विल पावर आप लोगों की बहुत अच्छी है तो वहां पर कोई भी बहाने और कोई भी वक्त नहीं है, या वहां जाना है यहाँ जाना है, तो ये सारी चीज है ना बाजू में हट जाती है, क्योंकि आपका विल पावर जो है ना बहुत स्ट्रांग है। और जिस दिन ये हम लोग ने अपना विल पावर स्ट्रांग कर दिया ना, तो सारे छोटे मोटे मोटे चीजें है ना वो हट जाए, छोटे मोटे चीजों को हटाते रहना है, तो वो बराबर से हम लोग लाइन पर आ सकते। चलिए, फंटास्टिक। तो अभी हम लोग आते हैं अश्विनी, अश्विनी जी, चलिए, आर यू रेडी? अश्विनी जी, यस चलिए स्टार्ट कर लिए। कितने बनाए सेंटेंस आपने? साठ बने 60 बन गए हैं, अच्छा सर। वेरी ग्रेट। तो हम एक काम करते, 60 तो आपने बनाए हैं मुझे पक्का गारंटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपसे हम पूछेंगे डायरेक्टली 12 सेंटेंसेस, बगैर देख के बोलना है, ठीक है? और आपको वर्ब देंगी साइली। राइट राइट राइट, राम राइट अ लेटर, राम डज नॉट राइट अ लेटर, डज राम राइट अ लेटर, व्हाई डज राम राइट अ लेटर, कंटिन्यू स्टेन, राम राइटिंग अ लेटर, राम नॉट राइटिंग अ लेटर, डज राम, सॉरी, इज राम राइटिंग अ लेटर, व्हाई व्हाई राम राइटिंग अ लेटर।
परफेक्ट टेंस राम रिटर्न अ लेटर वन मिनट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस राम के अंदर सॉरी आप क्या भूल गए? चलो कौन बताएगा? राम इज इज एम हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल गए। हेल्पिंग वर्ब जो है इज आप भूल गए और फिर बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब याद आ गया, फिर बाद में आपने कवर किए, फिर लास्ट में आपने शायद डू को लेके आए। चलिए वापस से हम लोग बोलते हैं राम इज राइटिंग अ लेटर। चलो राम इज राइटिंग अ लेटर राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर इज इज राम राइटिंग अ लेटर व्हाई राम इज राइटिंग अ लेटर Why is परफेक्ट Ram टेंस writing a letter? Okay. राम हैज रिटन अ लेटर राम हैज नॉट रिटन अ लेटर हैज राम रिटन अ लेटर व्हाई राम हैज रिटन अ लेटर Fantastic. Why has Ram written a letter? Fantastic. अभी आपने 12 sentences बगैर देख के बोले, एक क्रियापद आपको मिली राइट, कैसा फील कर रहे हो आप? कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा बोलने के लिए। कैसा लग रहा है? 15 दिन में आपने इतना सारा कवर किया है, अपने आप को प्राउड फील कर रहे हो कि नहीं? यस सर कर रही हूँ। अभी बोलते वक्त थोड़ा इंग्लिश का प्रैक्टिस मतलब करती बोलती हूँ इंग्लिश की थोड़ा। ठीक है, तो 15 दिन में आप लोग इंग्लिश बोलना सीख गए हो, मतलब कि 12 सेंटेंस तो आ गया, मतलब कि वही तो मेन सीढ़ी थी, अब गाड़ी रास्ते पे आ गई है, अब बराबर से चलाना शुरू हो गई। चलिए मोर पावर टू फंटास्टिक अश्विनी, फंटास्टिक। नाउ अभी प्रेजेंट उसके बाद में कौन हुआ था? हाँ साइली प्रेजेंट हुई थी। चलिए साइली हेलो Yes. आवाज आ रही है ना मेरा? जी कितने सेंटेंस बनाए? 60 60 बनाए? मुझे ऐसा लगा था 80 बनाएगा क्या? नहीं एक्चुअली बना रहे थे मैं क्योंकि मेरा एग्जाम भी चालू है अभी। हाँ हाँ यहाँ तक मेरा आपने एग्जाम है। बोला था ना एग्जाम चल रहा है। चलिए 60 तो आपने बनाए हैं, पक्का आपके पास सही है। अभी आपको 12 सेंटेंसेस बोलेंगे बगैर देखे और आपको वर्ब जो देंगे वो हमारे राजेंद्र पालो सर देंगे, आपको वर्ग क्रिया आपको राजेंद्र पालो जी देंगे। पालो सर साइली आपके साथ में है और आप उनको क्रियापद दीजिए। चलिए पालो सर शायद थोड़ा सा बाहर है। चलो फहद साहब बोलिए, फहद साहब आप एक वर्ग दीजिए साइली को। ट्राई Cry, T-R-Y. Cry, cry, रोना 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 भाई, रोने का काम तुम बंद कब करेंगे भाई? चलिए रोने पे बोलिए। Avni cries in classroom. Avni does not cries in classroom. Does Avni cries in classroom? Why? पहले सेंटेंस के अंदर एस ई एस लगेगा, उसके बाद में सिर्फ क्राई होगा, ठीक है? ओके चलो फिर रिपीट करते हैं। Avni cries in classroom. Avni does not cry in classroom. Does Avni cry in classroom? Why does Avni cry in classroom? Avni is crying in classroom. बराबर है। Avni is not crying in classroom. Is Avni crying in classroom? Why is Avni crying in classroom? Avni has cried in classroom. Avni has not cried in classroom.
Has Avni cried in classroom? Why has Avni cried in classroom? Fantastic, fantastic. चलिए बोल दिए आपने 12 sentences बगैर देखे, मतलब 12 sentences आप लोगों को बनाना अभी आ गए। कैसा लग रहा है आपको साहिली? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब स्कूल में सिखा रहे थे टेंसेस का तो बाउंस करके चला गया था, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था हम लोग को टेंसेस सीखने में और इंग्लिश वगैरह। सो अभी बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्योंकि सामने का जो बोल रहा है वो समझ में आता है लेकिन हम आंसर नहीं दे पाते उसके ऊपर। सो वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरे में। मोर पावर। चलिए नेक्स्ट कौन प्रेजेंट हुआ था अटेंडेंस? आशा पवार, आशा पवार, उसके बाद में आपकी बारी आएंगी फहद साहब। चलिए आशा पवार, आशा जी चलिए बोलिए आशा जी। वैसे कितने सेंटेंस बनाए आपने? पूरे हाँ, कौन कौन से वर्ब यूज किया, खाली वर्ब बता दीजिए मुझे। आज रिमेम्बर लुक ट्राई एंड लुक। तो चलिए सुभाष सर इनको एक क्रिया देंगे, 12 सेंटेंस बगैर देख के बोलेंगे आप। रन, आर यू एन, रन, दौड़ना। रन 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 मतलब थर्ड फॉर्म भी रन ही है। अरे बात बहुत इजी है। आई एम रन, आई एम डू नॉट रन, आई वेट वेट वेट, आई एम ने आई रन कहां पर है? ग्राउंड पे। आई रन ऑन ग्राउंड, आई रन ऑन ग्राउंड, आई डू नॉट रन इन ग्राउंड, आई डज नॉट रन ग्राउंड, डू डू नॉट रन ग्राउंड, why run in ground, helping verb, why does not, why do, why may why run in ground, I run on the ground, I do not run on the ground, do का use होगा, I के साथ में do, do I run on the ground, Why do I run on the ground? देखो do जब इस्तेमाल होगा तो do ही यूज इस्तेमाल होगा I के साथ में, बराबर ना? तो does उसमें कब यूज होगा? He के बारे में बात हो रही है या किसी के नाम के बारे में बात हो रही है, she के बारे में बात हो रही है, तब does यूज होगा। ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट कर लू। I am a run in ground. I do not run in ground. हाँ do I am run in ground? Do I run in ground? Why run do in ground? Why do I run in ground? Run ground. Okay, continue. Why do I running in ground? I do not. I am running in ground. I do not running in ground. एक मिनट, Why? अभी डू जो था ना वो मलट में रह गया, अब आ गया आप गोरेगांव में, तो डू को मलट में रहने दो। अब हम आईएनजी और इज एमआर लगा रहे ना, तो आई एम लगा रहे, तो आई एम के साथ में आई एम ही यूज होगा। तो आप डू वहां पर आपका डू का जो था वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए डू और डज यूज होता है, उसके सेंटेंस आपने बोल दिए, उसके बाद में अभी इज एमआर की बात हो रही है, तो आई एम यहाँ पर हो जाएगा, आई एम रनिंग ऑन ग्राउंड। ठीक है, चलिए। आई एम रनिंग इन ग्राउंड, आई एम नॉट रनिंग इन ग्राउंड, व्हाई आई एम रनिंग इन ग्राउंड, एम आई रनिंग इन ग्राउंड, एम आई रनिंग इन ग्राउंड, व्हाई आई एम रनिंग इन ग्राउंड, आई एम रनिंग है ना अभी, रन ही आएगा, लेकिन इसके अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? एम एम आर इज एम आर तो कंटिन्यूअस का है और डू डस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और हम लोग ने क्या नई चीज सीखे कल?
हैज हाँ, उसमें से आई के साथ में क्या लगेगा? हैव लगेगा। यस, चलो आई हैव रनिंग इन ग्राउंड रन। रन इन ग्राउंड अभी इसका नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव आई एम रनिंग इन नॉट आई एम आप नॉट हैव रनिंग आई हैव नॉट रनिंग इन रन ग्राउंड इन ग्राउंड। ग्राउंड हैव आई हैव आई रनिंग इन ग्राउंड रन इन वाई ग्राउंड। आई रनिंग ग्राउंड चलिए, रन इन फंटास्टिक। ग्राउंड रन इन ग्राउंड। अब एक काम करिए आप, ठीक है, आपने जो लिखा है वो जरा फटाफट पढ़ लीजिए, एक खाली क्रिया पहले वाला, और ध्यान दीजिए बराबर से, ठीक है? चलो You ask me study. You does not ask me study. Do you ask me study? Why you ask me study? You asking me study. You not asking me study. Are you asking me study? Why are you asking me study? You ask me study. You have not asked me study. Have you not asked me study? Why have you? Why have you asked me study? चलिए दूसरा पढ़िए, और एक और वर्ड रिमेम्बर रिमेम्बर अनिता रिमेम्बर शीतल अनिता डज नॉट रिमेम्बर शीतल डज अनिता रिमेम्बर शीतल वाई अनिता रिमेम्बर वाई डज अनिता रिमेम्बर शीतल अनिता रिमेम्बरिंग शीतल अनिता अनिता इज इज नॉट इज Not remembering Sital. Is Anita remembering Sital? How Anita remembering Sital? Why is Anita remembering Sital? Anita remember Sital. Anita has not remembered Sital. Has Anita remembered Sital? Why has Anita remembered Sital? बराबर, पहला वाला बताइए, आपने जो Anita has लिखा है कि नहीं? आपने देखो Anita has remembered, Anita remember Sital. Has लिखिए आप, Anita has remembered Sital. चलिए फंटास्टिक। देखिए आप अभी लिखने को बराबर से हो रहा है, खाली आपको बोलने में थोड़ा जम्बलिंग हो रहा है। जम्बलिंग इसलिए हो रहा है कि आप एक काम करो, सारे जो रूल्स है वो एक पेज पे लिख लो, 12 के 12। मैं अभी देने वाला आप लोगों को 12 के 12 रूल एक पेज पे लिख लो, मैं भी स्क्रीन शेयर करूंगा, और फिर बाद में उसके नोट जो है ना, जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स लिखे चार, उसका नोट क्या था? दो नोट थे उसके अंदर, एक तो अफर्मेटिव के अंदर दो नोट थे, एस और एस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, मैंने लिखे दिया था एस और एस कब लगेगा। फिर बाद में नेगेटिव में हम लोगों ने बताए थे कि डू और डस कब लगेगा, उसके नोट, दो नोट। फिर बाद में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस स्टार्ट किए थे, तो उसके अंदर हम लोगों ने नोट दिए थे रूल के साथ में कि ये रूल है और ये नोट है, इज एम आर कब लगता है। फिर बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने लिख के दिए, उसके हम लोगों ने रूल्स लिख के दिए और उसके नोट्स लिख के दिए, तो वो नोट्स और रूल और आइडेंटिफिकेशन, पहचान, ओलख, ओलख लिखिए, पहचान लिख लीजिए, पहचान के बाद में रूल लिख लीजिए, रूल के बाद में नोट्स जो है वो लिख लीजिए, हेडिंग लिखना चाहिए वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई, फिर सारे चार के चार रूल्स आएंगे, फिर नीचे नोट आएगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिफिकेशन कैसे आप पहचानते हैं वो आएगा, उसके नीचे चारों के चारों रूल्स आएंगे और उसके नीचे है ना नोट्स आएंगे कि नोट क्या है, इज एम आर इज इक्वल टू क्या, एम इज इक्वल टू क्या, आर इज इक्वल टू क्या। फिर बाद में थर्ड वन क्या हम लोग ने सीखे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसा पहचानते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये लिख लीजिए और उसके नीचे चारों के चारों रूल्स लिख लीजिए, चारों के चारों रूल्स लिखने के बाद में वहां पर हम लोग नया हेल्पिंग वर्ब सीखे हैं, क्या सीखे हैं, हैज और हैव। तो हैज इज इक्वल टू ही शी इट्स सिंगुलर नाउन एंड हैव इज इक्वल टू आई यू विद इट प्लूरल नाउन। तो ये आप एक पेज पे लिख लीजिए, ये पेज पे लिखने के बाद में आपको सब रूल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर नीचे प्रैक्टिस करते रहने का, ठीक है, चलेगा सबको?
फंटास्टिक। चलो आशा जी, आशा जी भी शायद बिजी ज्यादा रहते हैं, फिर भी आप वो कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक। हटिए नहीं, जब मेरा लेक्चर चलता है तो कोई भी हटो मत, हटने के बाद में गड़बड़, नजर हटी दुर्घटना, कुछ तो भी है ना वो सेंटेंस, मुझे नहीं पता है, रोड पे लिखा हुआ रहता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी हुई। चलिए फैंटास्टिक, और अभी हम लोग आते हैं हमारे फहद साहब के पास। यस सर, डॉक्टर समर भी आ गए हैं। चलिए फहद साहब स्टार्ट कर लीजिए, आपने कितना सेंटेंस बनाया? सच बोलो तो एक भी नहीं सर। चलो ठीक है, तो आप अपने लाइव बनाएंगे हम लोग, ठीक है, बोलेंगे ना आप 100% बोलेंगे, मुझे मालूम है। चलो बिजी के ऊपर बोलिए, बिजी क्या है, बिजी पर मत रो, एक मिनट, आपको क्रियापद देंगे हमारा ये छोटू देगा, छोटू चलो क्रियापद दीजिए उनको, अंकल को, अवेक अवेक पहला ही वर्ड। हाँ I awake early in the morning. I do not awaken early in the morning. Do I awake early in the morning? Why do I wake early in the morning? सही है, बराबर, क्या बात है, चलिए सर क्या है, I am awake early in the morning. I am not awake early in the morning. Awake time ना सर? ING. Awake. ING. वो बाद में perfect में आएगा. Okay sir. I am awake awaking early in the morning. I am not awake early in the morning. Awaking early in the morning? Why do I awaken early in the morning? Why am I awaking early in the morning? Awaking in the morning. Morning. Hmm. Hmm. I have early in the. Is that? Third form. Awaken. Third form. Awaken. Awaken. I have awakened early in the morning. I have not awakened early in the morning. Awoken. Awoken early in the morning. Have I awakened early in the morning? Why have I awakened early in the morning? The morning. Morning. Fantastic. चलिए थोड़ी सी गाड़ी अटक रही है लेकिन हो जाएंगी क्लियर जी, क्या हो गया ना सर? जी हो गया, हो गया, 12 sentences हो गए आपके, फैंटास्टिक, थोड़ी सी गाड़ी अटक रही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस, 12 उन्होंने बोल भी दिए, 12 बोलने के बाद भी बोले हो गया ना सर, अरे आपने 12 बोल दिए, बिना प्रैक्टिस के सर, बिना प्रैक्टिस के लिखा भी नहीं अभी तक मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, यही तो कमाल है अपनी क्लास का, यही तो कमाल है। सच बोलू तो अभी मैं इधर क्लास में बोलना चाहूंगा, मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, शाम में 8 से 9 बजे तक फ्री होता हूँ, 8 से 9, उसके बीच में बिजी हो रहा है, उसके लिए तो कभी कभी थोड़ा लेट होता है मेरे को, खाना पीना भी बनाना पड़ता है हम लोग को ही, कपड़े वपड़े धोना पड़ता है हम लोग को, ऐसा रहता है ना इसके लिए। ओके जी जी जी, बहुत डेडिकेशन से बहुत मेहनत करते हैं बहुत साहब, और बदन अल्लाह उनकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा और उसका जरूर फायदा मिलेगा 100%। इंशाल्लाह, चलिए फंटास्टिक, सो मोर पावर टू यू। और हमारे ऋषभ जी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? डॉक्टर साहब किधर गायब हुए लगता है, डॉक्टर साहब को ऐसा लगा कि अभी मैं पूछने वाला, तो उनका कुछ स्केड्यूल चालू है ना, वो एग्जाम वगैरह उनका कुछ चल रहा है, उनका एग्जाम भी चल रहे, सब चल रहे। चलिए ऋषभ जी, चलिए ऋषभ जी सर, हमेशा
कैमरा बंद रखते हैं, उनको आप बोलिए कि कैमरा चालू रखें। मुझे उनका फोन आया था, वो अच्छा देख के सर मैं बोले रात में अभी नहीं आ पाऊंगा, मेरा ड्यूटी लग गया है। बोला ड्यूटी लगने के पहले तुम क्लास कर रहे थे, तो ड्यूटी वाले को बोलने का ना कि मैं 1 घंटा पहले सुबह में ले लूंगा, 1 घंटा रात में लेट आऊंगा, मैं जल्दी चला जाऊंगा। बराबर, खत्म बात, अभी रेगुलर आए हो आपने, अभी इतना हवा मामला होगा, अभी क्या से 1 महीने 1.5 महीने के अंदर सब खत्म हो जाएगा काम आपके। 40 सेंटेंस एक बार आ गए फिर बाद में प्रैक्टिस शुरू हो जाएंगी, फिर कन्वर्सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आराम से हो जाएगा जल्द से जल्द, क्योंकि मेन पहले ही इसके लिए टाइम जाता है, इसलिए वक्त लग रहा है। चलो ऋषभ जी बोलेंगे आप? ऋषभ जी आ रहे हो यार? चलिए तो हम क्या हुआ है टाइम 40, ठीक है आधा घंटा बाकी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सब लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए बराबर से, ठीक है, और कोई इधर उधर घूमने गया आई है आशा किचन विचन में मत जाओ मत, ठीक है। अभी आज जो हम लोग सीखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अभी जो हम सीखने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से ये बोध होता है कि कुछ काम जो है वो इतने समय तक चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसके अंदर वक्त के साथ में पता चलता है कि ये सुबह से खाना खा रहा है, वो 4 दिनों से पानी पी रहा है, वो 2 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है, इस टाइप के सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे। अब इस टाइप के सेंटेंस हमेशा हमारे रोजमर्रा की लाइफ के अंदर यूज होते हैं। अरे वो 8 दिनों से कपड़े नहीं धो रही है, लड़कियां औरतें बात करती है, अरे वो तो 4 दिनों से इतनी भांडे का हाथ से लग रहा है, अब 4 दिनों से बर्तन ही नहीं धो रही है, मैं ही धो रही है, मतलब ये सब होती ही बात है हमारे। तो उसको इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, उसके क्या टर्म्स है, उसके रूल्स क्या है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो गेट रेडी, नोटबुक्स आपके रेडी रखिए, और नोटबुक्स के ऊपर लिखना बहुत जरूरी है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि लिखना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, आप नोटबुक को रेडी रख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई, लिख लीजिए ऊपर टॉप हेडिंग। सब लोग जगह पर है ना? चलिए सब लोग जगह पर है। चलिए लिख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचाने। सेंटेंस के लास्ट में वक्त के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, आता है। लिख लीजिए पहला, सारी चीज लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई, इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान ये है सर, हाँ बोलो, स्क्रीन नहीं दिख रही है, दिखेगी स्क्रीन नहीं दिख रहा, बराबर मैं भी वही, स्लाइड्स स्लाइड्स नहीं दिख रही, नहीं नहीं दिख रहे, स्क्रीन दिख रही है, अभी सर ने प्ले नहीं किया है, स्क्रीन तो दिख रही है, व्हाइट व्हाइट दिख रही खाली, हाँ हाँ फिर से दिखाता हूँ, शेयर ऑप्टिमाइजेशन वीडियो, ओके
अभी व्हाइट दिख रही है स्क्रीन बराबर से, पूरी व्हाइट दिख रही है? व्हाइट बोर्ड आ गया, ओके व्हाइट बोर्ड आ गया था, बराबर एडवांस व्हाइट बोर्ड पे चला गया था भाई वो। देन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये दोनों साथ में, इसके अंदर लगभग हमारा वर्ब और आईएनजी ही लगता है इसके अंदर, ठीक है वो तो हम लोग बाद में रूल्स देखेंगे। अभी समझ लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ये बहुत होता है कि कोई भी काम जो इस वक्त तक चल रहा है बराबर, तो उसको जो पॉइंट नंबर वन दिया है पहचान ये है कि वक्त के साथ रहा है, रही है और रहे आता है। जैसे एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि वो सुबह से गाना गा रहा है, सुबह से मतलब सुबह का वक्त मालूम पड़ा है कि सुबह से वो गाना गा रहा है, वो 4 दिनों से तुमसे बात कर रहा है, मतलब 4 दिनों से वो तुमसे बात कर रहा है, मतलब 4 दिन पता चल रहा है। फिर बाद में ऐसे कई सेंटेंसेस रहते हैं जो बार बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के लाइफ के अंदर, रोजमर्रा के इसमें यूज करते हैं हम लोग, तो वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके 2 पॉइंट है, वहां पर सिंस और फॉर लगने वाला है। रूल तो अलग है, रूल तो आपको बताऊंगा ही मैं, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें है सिंस और फॉर। इस सिंस और फॉर से ये पता चलता है कि ये कब तक चल रहा था, काम चल रहा है और चलेगा। तो सिंस इज इक्वल टू क्या बताया मैंने कि ये जो सिंस इज इक्वल टू है ना निश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम, और अनिश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय मतलब एग्जैक्ट टाइम, निश्चित वक्त जो है ना एग्जैक्ट टाइम। जैसे कि मैं इसके अंदर फॉर, जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया कि सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग, ये एग्जाम्पल है, खाली एग्जाम्पल के लिए सिर्फ सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ मॉर्निंग के लिए यूज नहीं होगा, सिंस मॉर्निंग के लिए भी होगा, इवनिंग के लिए भी होगा, आफ्टरनून के लिए भी होगा और यस्टरडे के लिए भी यूज होगा, इस तरह से उसका एग्जाम्पल है वो सिंस। फिर सिंस मंडे की बात किया हुआ है, सिंस मंडे मतलब एग्जैक्टली हम लोग को कोई भी दिन, बस आप ध्यान दे रहे ना, बाद में फिर पूछेंगे कि पता नहीं, मैं पूरा समझा रहा हूं अभी, आप फिर वीडियो देखना पड़ेगा आपको, आपका ध्यान हट गया है वहां से बराबर। तो सिंस मॉर्निंग, जब पता चलता है मॉर्निंग से हम लोग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोग सिंस यूज करेंगे, और अगर हमको वक्त मालूम है सुबह 8 बजे से, 9 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, मतलब 24 घंटे में कोई भी वक्त आपको जब पता है तब वो वापस सिंस लगता है। मैं 8 o'clock ये जो कुछ लिखा हूँ वो खाली एक एग्जाम्पल समझने के लिए लिखा हूँ, बाकी 24 घंटे के अंदर कोई भी आपको पता चला कि 12 बजे से, 3 बजे से, तो वो बस सिंस लगने वाला है। फिर बाद में हम लोगों ने लिखे सिंस जुलाई या जून, मतलब अगर 12 महीने में कोई भी महीना अगर पता है तो आप वहां पर सिंस लगाने वाले हैं। उसके बाद में ईयर, ईयर मतलब 2015, 2010, 2012, 1947, ये सब ईयर के जब आपको पता चलता है तब उस वक्त भी सिंस यूज होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम हमको पता है। टाइम मतलब सिर्फ वक्त नहीं है, मतलब महीना है पता, दिन पता है, फिर बाद में तुम्हारा साल पता है, ये इसके लिए सिंस यूज होता है। फिर बाद में फॉर इज इक्वल टू हम लोग लिखे अनिश्चित समय, जब किसी काम के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है तब उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर का। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बताया फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से, वो 4 घंटे से, मतलब 4 घंटे एग्जैक्ट कितने बजे से मालूम नहीं तब वहां पर फॉर लगता है। फिर बाद में वो 4 दिनों से, मतलब 4 दिनों की बात हो रही है, एग्जैक्ट कौन से दिन से वो कर रहा है वो पता नहीं, इसलिए फॉर लगता है वहां। और फिर जैसे कि बोलते हैं ना वो 4 सालों से दुबई जा रहा है, तो 4 साल जो है अंदाजा बोला हुआ है, तो अंदाजन जो बात होती है उस वक्त उस सेंटेंस के साथ में फॉर यूज होता है, और एग्जैक्ट दिन, वक्त, महीना, साल
अगर मालूम है तो वहां पर सिंस का यूज किया जाएगा। ये हमारा उसका पहचान है। पहचान वक्त के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, और सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा। अभी मैं जब एग्जांपल आपको दूंगा, प्रैक्टिस करते वक्त आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उस बीच में मैं आपको सवाल करने वाला हूँ, डायरेक्टली सिक्वेंसी में लेके नहीं जाऊंगा। अब यहां तक आपको समझ में आया होगा, लेकिन अब जब प्रैक्टिकली करेंगे, जब आपके हाथ में गाड़ी हाथ में मिलेंगी, तब समझ में आएगा कि अभी गियर कौन सा डालना है। समझाने का काम ये था कि सिंस और फोर कहाँ यूज होता है, इसलिए आप लोगों को लिखाने के लिए मैं लिखने के लिए बोला था। चलिए मुझे एक बार पढ़ के दिखाइए, कोई जो पूरा लिखे हो, कौन पढ़ के दिखाएगा? हेलो, हाँ चलिए बोलिए। यस सर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंस के लास्ट में वक्त के साथ रहा है, रही है, रहे है, आता है। नोट, सिंस इज इक्वल टू, इसका इस्तेमाल निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, समय के लिए किया जाता है, जब किसी काम के शुरू होने का वक्त मालूम हो तो वह किया जाता है। जैसे सिंस संडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस जुलाई, सिंस 8 o'clock, सिंस 2020। आफ्टर दैट फॉर इज इक्वल टू, इसका इस्तेमाल अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम, समय के लिए किया जाता है। इसमें काम का शुरुआती समय नहीं मालूम होता है, जैसे फॉर 2 days, फॉर 6 months, ईयर्स एंड आवर्स। ओके, राइट। चलिए तो हम एक काम करते हैं, अभी एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, गेट रेडी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेस, हाँ वाले जुमले। यहां पर आएगा तुम्हारा, एक मिनट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस रूल। स्क्रीन में कुछ एरर आ गया है, एक सेकंड। यहाँ पर भी तुम्हारा हैज और हैव यूज होने वाला है, स्क्रीन हट गई ना, दिखा रहा हूँ वापस से मैं। जी अभी दिख रही स्क्रीन, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, हाँ वाले जुमले, पॉजिटिव सेंटेंसेस इसको बोलेंगे। इसका रूल, रूल ये है इसका कि सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। I repeat, subject plus has oblique have plus been, यहाँ पर been का प्रयोग होने वाला है, मिस्टर बीन की याद करने का, सुबह से, शाम से, दोपहर से, वहां का अगर बात हुई तो कोई भी हो, पास्ट का भी हो, फ्यूचर का भी हो, वहां पर मिस्टर बीन की याद करनी है, सुबह से, शाम से, दोपहर से जब बात होंगी तब। तो सब्जेक्ट प्लस हैज अब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर टाइम, इस तरह का इसका रूल है। रूल लिख लीजिए बराबर से, ताकि रूल, पहला रूल आपने अगर याद किए तो बाकी के तीनों रूल आपको दिमाग में बैठ जाएगी। नाउ एग्जांपल धीरे धीरे हम लोग लेते हैं, एग्जांपल लेने के टाइम में आप लोगों को पूछने वाला सवाल आता है, राम इस किताब को 2 बजे से पढ़ रहा है, राम इस किताब को 2 बजे से पढ़ रहा है।
लिख लीजिए फिर मैं पूछता हूँ। चलिए अब यहां पर हम लोग ने सीज और फोर के हम लोग ने बात किए थे, तो मैं वर्बली में भी आपको पूछता हूँ, सेंटेंस आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्ट यहां पर टाइम पता है कि दो बजे से राम जो है वो किताब पढ़ रहा है। तो मुझे बता दीजिए कि यहां पर सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? और लगेगा सिंस लगेगा सर, टाइम पक्का मालूम है। अरे देखते कौन करेक्ट कौन सर, क्या बोल रहा है। करेक्ट बोलिए कौन क्या बोल रहा है, सिंस लगेगा फॉर लगेगा? और लगेगा फॉर, फॉर लगेगा, फॉर द फॉर सिंस लगेगा लगेगा, बोलते हैं। सिंस लगेगा सर, टाइम मालूम है, सिंस लगेगा बोलते हैं, रिजर्व यस टाइम बनेगा मालूम बोलते है। तो तू क्या बोलता है? दो बजे से पढ़ रहा राम है, राम हैज वगैरह बोल मत पहला, रुक एक मिनट। नहीं 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 रुको एक मिनट, यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा? रेसिपी तो तुम्हारे सामने है, मुझे मालूम है, आप बनाएंगे, लेकिन सिंस लगेगा या फॉर लगेगा ये हमको समझना है पहले। बोल चलो प्रतिभा क्या लगेगा यहाँ पर? हैज बीन आप सेंटेंस सर बनाइए एक बार सिंस पहले, क्या लगेगा? सिंस लगेगा, और सिंस राजेंद्र पालो भी बोलते हैं सिंस लगेगा, और कौन बोलता है, प्रिंस क्या बोलता है, प्रिंस क्या लगेगा बोल, सिंस लगेगा फॉर लगेगा? मैंने भी सिंस बोला है, आपने भी सिंस बोले, ठीक है सिंस, ओके। विमेंद्र साहब बोलेंगे, विमेंद्र साहब क्या लगेगा यहाँ पर? सिंस लगेगा सर, सिंस लगेगा। चलो साइली बोलिए क्या लगेगा, सिंस सिंस लगेगा। आशा लगेगा, और ज्यादा है सर लगेगा, मतलब वोटिंग सिंस की ज्यादा है, फहद साहब का वोट नीचे गिर गया। ए, रूल मालूम है ना सर, हमको रूल में ये बताया गया है कि भाई टाइम जब हमको पक्का मालूम है तो हम सीन्स लगाएंगे। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर फहद साहब, बाकी सब लोग देखिए, यहाँ पर जो है ना हमको वक्त मालूम पड़ गया है। वक्त क्या मालूम पड़ा है, हेलो सुभाष जी सर, 8 बजे से 8 11 बजे से चल रहा है ना काम, तो चलिए वो 8 बजे से कर रहा है। चलिए माइक म्यूट करिए सब लोग, माइक 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 सबका म्यूट कर लीजिए, मत करो ये देखो मेरे पास तो भी माइक चालू है। फ्रेंड्स माइक पे ध्यान दीजिए ताकि बाकी के लोग डिस्टर्ब हो जाते ना। चलो तो यहाँ पर 2 बजे से बोला हुआ है, 2 बजे से मतलब एग्जैक्ट टाइम मालूम है, तब सिंस लग रहा है। अगर यहाँ पर पता चलता कि राम इस किताब को 8 दिनों से पढ़ रहा है तब क्या लगता, फॉर लगता, मतलब वो अंदाजा वाली बात थी। अब यहां पर अगर ऐसा होता कि राम इस किताब को मंडे से पढ़ रहा है, मंडे से पढ़ रहा है मतलब पता है, इसलिए सिंस लगता, मतलब कितने बजे से पढ़ रहा है मालूम है, कौन से दिन से पढ़ रहा है, कौन से महीने से पढ़ रहा है, किस साल से पढ़ रहा है, तब एग्जैक्ट मालूम है, तब क्या बनेगा, ये देखिए सामने, राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 o'clock, राम हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 o'clock, सिंस का यूज यहाँ पर हुआ है क्योंकि 2 बजे से वो किताब पढ़ रहा है ये बताया गया है। चलो और एग्जांपल हम लोग लेंगे तो समझ में आ जाएगा, आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ पर सिंस और फॉर यूज करना है और मिस्टर बीन को लाना है, आईएनजी तो हम लोग यूज करना सीख ही लिए हैं कंटिन्यूस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, लड़की सुबह से सो रही है, लड़की सुबह से सो रही है, गर्ल, माइक म्यूट कर लीजिए, कोई भी माइक खुला नहीं रखेगा फहद साहब, द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मैं समझा रहा हूं, द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस यहां पर क्यों लगा, क्योंकि हम लोग ने बताया कि अगर सुबह से दोपहर से रात से या कल से बता रहा है तो वहां पर सिंस यूज होगा। अब यहां पर सुबह 8 बजे से चल रहा था, 2 बजे से चल रहा था, अब यहाँ पर सुबह से चल रहा है, इसकी वजह से लड़की सुबह से सो रही है, द गर्ल
has been sleeping since morning. अभी मैं आपको पूछने वाला हूं, हम लोग 15 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं। हम लोग 15 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्या आएगा इसके अंदर? बहुत बढ़िया, चलिए अभी बोलने का मौका दे रहा हूं मैं। हेलो, हम लोग 15 दिनों से has, अंग्रेजी सीख रहे हैं। We has done, we has कैसे, क्या हम लोग है ना, we देखो has और have का नोट हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, वही has और have है। we has has been है सर, we have been है, हाँ we have been, we have been, क्या बोले सर आपने सेंटेंस, क्या बोलते हैं? हम 15 दिनों से we have been learn है ना सर, learning ing learning speak English speaking for since 15 days since आएगा प्रतिभा, since आएगा for आएगा, for क्यों आएगा, for आएगा सर, और आएगा, हम लोग 15 दिनों से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इधर एक्चुअली टाइम मालूम नहीं है, दिन बोले मतलब जैसे 6 मंथ 2 मंथ्स, टाइम मालूम नहीं है इसलिए फॉर लगेगा। पक्का? यस सर। सुबह सर बोलिए आप, फॉर क्यों लगेगा? और इसलिए लगेगा कि 15 दिनों से सीख रहे हैं, लेकिन 15 दिनों से मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है, मतलब एक अंदाजा लगाया गया है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट, बस सब समझ में आ रहा है। आशा, आशा बताइए यहाँ पर सीन लगेगा कि फॉर लगेगा? फॉर लगेगा। फॉर लगेगा, फॉर क्यों लगेगा? क्योंकि आप हमें टाइम नहीं पता ना, 15 दिनों से पूछ रहे हैं। अश्विनी क्या लगेगा उसके अंदर, 15 दिनों से हम अंग्रेजी सीख रहे हैं? फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा? फॉर लगेगा। और मैं एग्जांपल पूछता हूँ, मैं और एक एग्जांपल आपको पूछता हूँ। अंजलि सोमवार से अपना कमरा सजा रही है, सोमवार से, साइड क्या लगेगा इसके अंदर? सीन्स लगेगा, एग्जैक्ट टाइम पता है हम लोगों को कि मंडे से वो सजा रही है करके। रॉन्ग। चलो और कौन बताएगा? सीन्स लगेगा, फॉर लगेगा? अंजलि जो है ना वो मंडे से कमरा सजा रही है सर, पॉइंट ऑफ टाइम है तो फिर सीन्स ही लगेगा। आशा क्या लगेगा? सीन्स ही लगेगा। प्रतिभा आपका क्या बोलना है? सर सीन्स ही आएगा, अंजलि सोमवार से तो एक्चुअली डे दिया है ना मंडे। अच्छा, भीमेंद्र साहब बोलेंगे, भीमेंद्र साहब क्या लगेगा इसमें? सीन्स लगेगा सर। सीन्स लगेगा, आप भी सीन्स ही बोल रहे हो, सब सीन्स बोले तो आप भी बोल दिए। राजेंद्र सर, पालो सर क्या लगेगा इसमें? सर इसमें भी सीन्स लगेगा क्योंकि अपने को पता है ना सोमवार से ना सर, मंडे से। Exactly. दो दिनों से होता ना, दो दिनों से तो पर लगता, पर मंडे से है ना, प्रॉपर मंडे से, मतलब सबको समझ में आ रहा है। आप अगर बोलते ना दो दिनों से तो फिर पर आता, मगर यह पता है अपने को मंडे से ही है, तीन ही आएगा, मतलब अभी सबको समझ में आ गया है कि सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा। ये मैं साबित करना चाह रहा था कि आपको दिमाग में बैठ गए जो मैंने आपको समझाया।
कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आया? एक बार मुझे बता दीजिए, डरो मत, अभी आप हम लोग सब फ्रेंड्स हो गए, खुल के बोलिए किसको समझ में नहीं आया, सेंस कब लगेगा? बाकी फार्मूला तो आपको सब आइडिया हो गया है कि फार्मूला एक बार सामने आ गया तो खाना कैसे पकता है, लेकिन सेंस और फॉर कब लगता है, ये किसी को अगर ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे एक बार बता दीजिए। चलिए कोई है ऐसा? मैं भी सबको पूछा, पालू सर को समझ में आ गया, उसके बाद छोटू हमारा समझ में आ गया, सिंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा? यस पक्का? ठीक है, तो मैं भी पूछ रहा हूं तुमको, वो 2 साल से गाना गा रही है, सिंस 2 साल से गाना गा रही है वो, 2 साल से फोर आएगा, हाँ फोर आएगा। ठीक है चलिए, अश्विनी समझ में आ गया आपको, फहद सर समझ में आ गया, साइली आशा सबको समझ में आ गया। ठीक है, ताकि हम लोग अभी एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो 4-5 सेंटेंस में लेऊंगा, फिर बाद में छुट्टी दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक चलिए, मतलब समझ में आ गया, फंटास्टिक, चलिए बढ़िया है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, सब लोग माइक म्यूट कर लीजिए अभी। एग्जाम्पल नंबर 3, वो इस घर में जनवरी से रह रहा है, वो इस घर में जनवरी से रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, इस घर में, इन दिस हाउस सिंस जनवरी। एग्जाम्पल नंबर 4 लिख लीजिए प्रॉपर, कोई भी चीज मिस मत करिए। एग्जाम्पल नंबर 4, अरबाज 2 सालों से दुबई जा रहा है, अरबाज किसी का नाम है, अरबाज 2 सालों से दुबई जा रहा है, अरबाज हैज बीन गोइंग टू दुबई फॉर 2 years, अरबाज हैज बीन गोइंग टू दुबई फॉर 2 years। अभी देखो यहां पर एग्जैक्टली पता नहीं है, 2 सालों से बात हो रही है, मतलब अंदाज की बात हो रही है एग्जैक्टली, अगर यहाँ पर 2012 से दुबई जा रहा है तब सीन्स होता। फिर ऊपर के सेंटेंस में देखिए कि एग्जैक्टली टाइम पता है 8:02 बजे से, इसकी वजह से सीन्स लगा है। फिर सेकेंड हमारा जो एग्जाम्पल है उसके अंदर सुबह से बता रहा है, मतलब ये सुबह से दोपहर से रात से जो भी रहेगा तभी भी सीन्स लगेगा। फिर देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमने बताया हुआ है कि वो इस घर में जनवरी से, मतलब महीने का नाम यहाँ पर आ गया है एग्जैक्टली, मालूम पड़ गया है, इसलिए सेंस हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर क्या हुआ है, ये 2 सालों की बात हुई, मतलब एग्जैक्ट मालूम नहीं, इसकी वजह से फॉर यूज हो गया। सो अरबाज हैज बीन गोइंग टू दुबई फॉर 2 years। नेक्स्ट, मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूं, मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूं। देखिए कैसा बनता है इसका इंग्लिश में, आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 5 in the morning, सिंस 5 in the morning, मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रहा हूँ, आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस 5 in the morning। तो ये हम लोग ने 5 examples आपको दिए हुए हैं। अभी आप लोग क्या करो, जो कल या अभी जब भी आपको वक्त मिल रहा है तो कम से कम 5 से 10 examples अफर्मेटिव के ऊपर बनाना है, जहां पर आपको अंदाजा भी लिखना है, और कभी सुबह का टाइम लिखना है, कभी दोपहर का, कभी 1 बजे का,
तो कभी मंडे का, तो कभी जुलाई का, तो कभी 2011 का, मतलब एयर भी यूज करिए, टाइम भी यूज करिए, मंथ भी यूज करिए, डे भी यूज करिए और अंदाजन भी यूज करिए, एक हफ्ते से, 4 दिनों से, 5 महीनों से, 10 सालों से, इस तरह के सेंटेंस आपके 10 अलग अलग टाइप के सेंटेंस होने चाहिए, जिसके अंदर आई यू वी दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ही शी इट, ये सारे हमारे सब्जेक्ट यूज होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट याद रखिए, सारे सब्जेक्ट यूज कर लीजिए आप, खाली आई और ही पर मत बनाइए, ही शी इट या किसी का नाम, इट अगर नहीं बनता तो छोड़ दीजिए, ही शी और किसी का नाम, ये हो गए 3, उसके बाद में आई यू वी दे, फिर बाद में प्लूरल नाउन, ये तुम्हारे 5-6 हो गए, मतलब जो 7-8 सेंटेंस, फिर बाद में आपको जो मन में आया वो आप बनाइए, लेकिन सिंस वाला भी यूज होना चाहिए और फॉर भी यूज होना चाहिए, इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो ये रहा अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था, उम्मीद है आपको पक्का समझ में आ गया है और आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलिए तो मैं स्टॉप करता हूँ मेरे स्क्रीन को। हेलो, यस सर, आपने जो सेंटेंस बताया था कि हम लोग 15 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इसका इंग्लिश में मैंने किया है, तो वो राइटिंग का जरा बताओ। वी ऑल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 15 डेज। फॉर 15 डेज, करेक्ट। तो कैसा रहा सेशन आपका? आज आप लोगों ने खुद ने 12 सेंटेंसेस बोले हैं, काफी लोगों ने बनाए हैं, और 60 तो आपने बोले ही थे पहले से ही, लिखे ही थे, और 12 हम लोगों ने लाइव आप लोगों ने ये किए हुए, तो इस तरह से आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, और आपकी उतना एक एक्स्ट्रा एनर्जी और आपके अंदर एक्स्ट्रा पावर मुझे दिख रहा है, और वेरी सून वी विल कंप्लीट, टुमारो 16 सेंटेंसेस बोलना आप सीख जाएंगे, मतलब कल हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा, और पहली सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए टाइम काफी लगता है, लेकिन वो टाइम आपने इतना ज्यादा नहीं लिया, बहुत जल्दी आपने कवर किया। That's very great. So fantastic. See you tomorrow. Same time. 9:30. Good night. All of you. Good night, sir. Good night, all of you. Surakshit rahe, ghar pe rahe, practice kare. Yes. Bhai ne ek line bana liya, kal sunaunga. Chalo.